साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बीमा योजना की शुरुआत की थी जिसमें साल में सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए है। यह योजना 18 से 50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव की गुड़िया देवी को इस योजना का लाभ मिला है। गुड़िया देवी के पति की मृत्यु 3 माह पूर्व हो गई थी, लेकिन सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ गुड़िया देवी को मिला। गुड़िया देवी बताती हैं कि मेरे पति धनेश्वर यादव ने PMJJBY करवाया था। दुर्भाग्य से मेरे पति के देहांत के बाद मैंने SBI शाखा में मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावे जो भी दस्तावेज जरूरी थे वह जमा करवाए। इसके बाद मुझे 14 दिनों के अंदर राशि प्राप्त हो रही है। सरकार की इस योजना का लाभ अभी तक कई लोग ले चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं करवाए हैं, वो अब भी बीमा ले सकते हैं। अधिक जानकारी SBI के रीजनल मैनेजर सलीम अहमद एवं बेंगाबाद शाखा प्रबंधक अजीत प्रसाद वर्मा ने समाधान इंडिया से बातचीत के क्रम में दी है, जिसे आप देखें। तो वो महिला मेरे साथ हैं जिनको लाभ मिला है, 330 रुपए का जो इंश्योरेंस पॉलिसी था उसका लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। कहाँ घर है आपका? लक्ष्मीपुर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपको लाभ मिला है 2 लाख रुपए, तो आपके नॉमिनी में आप ही का नाम था, तो कितना दिन पहले आपके पति का देहांत हुआ? हो गया सावन में डेट। सावन में? 3 महीना। अच्छा, ये बताइए जो लाभ मिला उसमें दौड़ना भागना आपको पड़ा या फिर आपको लाभ मिल गया? नहीं, बैंक आपको सहूलियत दिया कि दौड़ना भागना पड़ा कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं? दौड़ नहीं की। नहीं करना पड़ा। तो आपको अभी कितना पैसा मिला है? 2 लाख। अच्छा, तो क्या कहेंगी बैंक को और सरकार को, क्योंकि सरकार का ये स्कीम था, सरकार के लिए आप क्या कहेंगी? कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। 2 लड़की है। 2 लाख रुपए का लाभ मिला। नमस्कार, मैं सभी सम्मानित ग्राहकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय स्टेट बैंक का शाखा प्रबंधक बेंगाबाद में पदस्थापित हूं। हमारे ब्रांच के द्वारा अपने ग्राहक के जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा होता है, उनके लाभुकों को 2-2 लाख रुपया देने का काम इस शाखा ने किया है। आज हमारे बीच उनके लाभार्थी उपस्थित हैं, जिनमें से एक हैं गुड़िया देवी। इनके पति श्री धनेश्वर यादव जी का निधन हुआ था और उन्होंने 330 रुपया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस करवाया था, जिसका भुगतान हम लोग आज करने जा रहे हैं। एक दूसरे लाभार्थी थे श्री सनोज कुमार, जिनकी पत्नी का देहांत हुआ था, उनको भी इसी योजना के तहत हम लोग आज 2 लाख रुपया देने जा रहे हैं, बट किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं है। मैं सभी ग्राहकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और अपने अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, ताकि असमय कुछ हो जाए तो आपके परिवार को एक समुचित राशि उपलब्ध हो सके, ताकि वो अपनी अच्छी जीवन यापन कर पाएं। धन्यवाद। मोदी सरकार बनने के बाद एक बेहद ही महत्वपूर्ण आम गरीबों के लिए एक स्कीम आया, आप सुने होंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको लेकर के कई लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है, और इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि हम गिरिडीह में मौजूद हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में SBI ब्रांच है, जहां जो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों को आज जो है सो 2 लाख रुपये का जो मुआवजा है वो दिया गया है। हम इसको लेकर के और भी सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं RM इस क्षेत्र के, और सर ये बताइए कि ये जो खास करके 330 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसको लेकर के लोगों में खास करके जागरूकता की कहीं ना कहीं गाँव के क्षेत्रों में कमी देखी जाती है, और खास करके ब्रांच में जब लोग जाते हैं तो ये बीमा कर दिया जाता है, तो कई लोग आपत्ति भी करते हैं कि भैया क्यों कर रहे हो, लेकिन आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखने को यहाँ पे हम देखे कि उदाहरण है कि कम से कम ये लाभ जो है सो गरीबों को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए। देखिए, क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों दो स्कीम है। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये मात्र 12 रुपया में सालाना इंश्योरेंस कवर होता है, मात्र 12 रुपया में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 330 रुपया सालाना लगता है, और
मृत्यु उपरांत अगर कोई वैसा भगवान ना करे वैसा कुछ हादसा हो तो उनके परिजनों को ये मुआवजा देता है। जैसा कि आपने आज बेंगा बाद शाखा में देखा ये 2 लाख रुपए का उनका क्लेम मिला हमको है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये एक्सीडेंटल कवरेज है, मतलब कि अगर कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है तो उसमें तो मिलेगा ही, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए जहाँ पर उनका कुछ एक पैर से लाचार हो जाए, एक आँख से लाचार हो जाए, तो वैसे में भी कवरेज मिलता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया कि उसमें है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें मृत्यु उपरांत किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो इसमें 2 लाख का क्लेम मिलता है इसमें। अच्छा, ये दोनों जो लाभ है ये क्या दोनों लाभ लिया जा सकता है? अगर हम किसी भी व्यक्ति को दोनों इंश्योरेंस दे सकते हैं और दोनों का क्लेम मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम दोनों किए हैं तो किसी एक ही का क्लेम मिलेगा, दोनों का सेपरेट क्लेम ही मिलेगा और ऐसे वैसे उस कारणवश में 4 लाख का क्लेम मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं इस इंश्योरेंस का, जो पॉलिसी नहीं ले पाए हैं, वो क्या करें, कैसे पॉलिसी? देखिए, इसमें आप जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलरली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो सकती है, इसकी एकदम पॉसिबिलिटी है। तो पहला तो जैसे अपने बैंक के माध्यम से भी कह सकते हैं कि अगर जो लोग हमारे जो भी खाता धारक हैं वो अगर ब्रांच हमारे किसी भी शाखा में चले जाएँ तो वहाँ तो ये इंश्योरेंस हो ही सकता है। हम लोग होता है कि हम लोग ने ग्राहक सेवा केंद्र को इसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व भी किया है और उसमें वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कि जितना अंदर तक तो वो पहुंच सकते हैं जिनका खाता है उनको वो कवर भी कर रहे हैं। खाली सुरक्षा बीमा योजना में ही नहीं जीवन ज्योति बीमा योजना में और इवन अटल पेंशन योजना में। अच्छा, ये उम्र की सीमा क्या है, 18 से 55 वर्ष तक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये 18 से 70 वर्ष है और जीवन ज्योति बीमा योजना में ये 18 से 50 वर्ष है। 18 से 50 वर्ष है। अच्छा, एक बात और भी बताइए, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें तो जो किन्हीं की अगर मृत्यु हो गई उसको लेकर के 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा जो बीमा योजना है इसमें जो खास करके एक्सीडेंटल अगर हो गया, कोई अगर किन्हीं कोई विकलांग हो जाते हैं तो उसको लेकर के भी कोई है राशि उपलब्ध? एकदम राशि उपलब्ध है। जैसे वही मैंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो एकदम एक्सीडेंटल कवरेज है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें भगवान ना करे उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो तो क्लेम मिलेगा ही, लेकिन ऐसा भी कभी दुर्घटना होती है कि जहाँ पर वो उनका एक हाथ या एक पैर या दुर्घटना में अगर आँख चली गई तो वैसे में भी उनको क्लेम मिलता है। अगर एक हाथ एक पैर एक आँख इस तरह जो हमारे वाइटल ऑर्गन शरीर के बहुत अहम अंग है वो उसमें कुछ क्षति पहुँचती है तो 1 लाख मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी का ऐसा हुआ कि कारण दोनों पैर से बेकार हो गए तो उनको 2 लाख का क्लेम मिलेगा। तो सर, मेरा अंतिम सवाल यही है कि जो लोग हैं खास करके इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेना चाहते हैं और जब किसी की डेथ हो जाती है तो खास करके लोग जो हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो दौड़ने भागने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि किन्हीं की डेथ हो जाती है तो मानसिक दबाव में भी वो लोग होते हैं, तो ये क्या इसका क्राइटेरिया होगा कि कोई सर्वेर आएंगे सर्वे करेंगे या सरल प्रक्रिया है या क्या? एकदम इसके बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जिनके घर में डेथ हुआ है वो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र में या जो निकटतम शाखा में जाके वहाँ पर जाके उसका न्यूज़ दे सकते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी बहुत सरल है कि डेथ सर्टिफिकेट और फिर जो नॉमिनी के जो नाम है उनका KYC डिटेल्स, उस ये सब डॉक्यूमेंट के साथ ये एकदम अब बहुत ऑनलाइन पोर्टल हो गया है। बस हम सबमिट करते हैं और सबमिट अगर ठीक से सबमिशन अगर हो गया, सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो 14 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट भी होता है, पैसा में डायरेक्ट खाता में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू बहुत। तो निश्चित तौर पर जो सरकार की है, जो एक तरीके से समझिए कि आम गरीबों के लिए जो ये एक तरीके से बीमा एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसको सभी को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण आप गिरिडीह के बेंगाबाद में ही SBI ब्रांच में अभी देख रहे थे। आप बने रहिए समाधान इंडिया के साथ, आपको ऐसे ही खबरें हम दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद। Thank you.